और हम लोगों के साथ हैं प्रोफेसर अरुण कुमार, अ वेल नोन इकोनॉमिस्ट, अ लाइफ लॉन्ग प्रोफेसर इन जेएनयू एंड एक्नॉलेज्ड एक्सपर्ट ऑन डेवलपमेंट, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक पॉलिसी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ही इज करेंटली द मैल्कम एस आदिशेषय्या चेयर प्रोफेसर एट इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, न्यू दिल्ली। तो जैसा कि सब्जेक्ट आनंद ने बताया है, मेकिंग अ सेलेक्टेड फ्यू रिचर एंड 97% पुअरर ओवर द पास्ट ईयर, तो मैं प्रोफेसर अरुण कुमार आपके साथ एक सवाल करना चाहूंगा पहले कि एज इंडिया की इकोनॉमी जो है वो तो लास्ट ईयर श्रिंक की है और शायद करोड़ से भी ज्यादा लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, लेकिन फॉर्च्यून्स ऑफ द कंट्रीज टॉप 1% रिचेस्ट हैव सोलन, उनकी जो शेयर ऑफ वेल्थ और इनकम फॉर 1% एट द टॉप वो लगातार बढ़ी है, और अगर हम ये और देशों में भी बढ़ी है, लेकिन अगर हम इसको लार्ज इकोनॉमीज के साथ कंपेयर करें, अमेरिका, रशिया, जर्मन और चाइनीज, तो इन सबसे ज्यादा है। हमारी, मेरे ख्याल से क्रेडिट स्विस का एक एस्टिमेट आया था 39%। तो ये जो सारी बात इंक्लूसिव डेवलपमेंट की रही है, ये क्या एक मिराज है? और हमारा 1990 से लेके आज तक का रिकॉर्ड कैसा है, और खास करके आज कैसा है, प्रोफेसर अरुण कुमार? कई सारे सवाल एक साथ हैं। एक तो कि हिस्टोरिकली क्या हुआ है 1991 के बाद, दूसरा आज क्या हुआ है और जी किस प्रकार से हुआ है, ये जो असमानता है गरीब और अमीर के बीच में वो किस प्रकार से बढ़ी है। तो सबसे पहले तो अभी की बात कर लें, फिर उसके बाद बात करेंगे कि जी कैसे 1991 से क्या हुआ है। तो अभी जो हमारा पैंडमिक है इसमें लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही विरुलेंट है डिजीज़ और फैलता है। तो जब तक लॉकडाउन नहीं होगा तो फैलता रहेगा और हमारे जो हेल्थ सिस्टम है उसको ओवरवेलम कर देगा। तो ये बाकी देशों में भी देखा गया, हमारे यहाँ और भी। लेकिन हमारे यहाँ जो एक समस्या है वो ये कि हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। 94% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और 6% लोग संगठित क्षेत्र में काम करते हैं। और असंगठित क्षेत्र को सबसे ज़्यादा चोट लगती है, क्योंकि वो लोग घर से जब बाहर नहीं निकल पाएंगे, काम पे नहीं जा पाएंगे, तो उनका उनका जो आमदनी है वो ख़त्म हो जाती है और एक तरह से कहा जाए तो ज़ीरो हो जाती है आमदनी। तो संगठित क्षेत्र है वो फिर भी थोड़ा बहुत काम कर सकता है, और ख़ासकर जो हमारे एसेंशियल प्रोडक्शन है जैसे कि फार्मा सेक्टर का है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, इनमें काम फिर भी चलता रह सकता है। तो इससे असमानता तो बढ़ेगी ही, क्योंकि संगठित क्षेत्र में गिरावट कम है और असंगठित क्षेत्र में गिरावट ज़्यादा है। और संगठित क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो कई सेक्टर्स हैं जो अच्छा करेंगे, जैसे कि फार्मा सेक्टर है, ई कॉमर्स है, आपका जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, ये सब अच्छा करेंगे। तो मतलब कि दो तरह की असमानता है, एक तो असंगठित और संगठित क्षेत्र के बीच में, और दूसरा संगठित क्षेत्र में भी जो कंपनियां बंद हो गई, जैसे कि सर्विसेज सेक्टर में आपके जो एयरलाइंस हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो कॉन्टैक्ट से जो रिलेटेड हैं, वहाँ पे काम ठप हो गया, और कई और जो हैं जहाँ पे काम चलता रहा। तो ये दो तरह की हुई। फिर आपने जिक्र किया कि लोगों के नौकरी चली गई, तो नौकरी जैसे कि बताया सीएमआई के आंकड़ों ने कि पिछले साल अप्रैल में 12.2 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, लेकिन मेरा मानना है कि एक्चुअली में जो काम रुका वो करीब 20 करोड़ लोगों का रुक गया था। क्योंकि अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री बंद हो गई है पर आप अनएम्प्लॉयड नहीं है क्योंकि आप उसके रोल्स पे हैं। अगर आप टीचर हैं, आप काम पे नहीं जा रहे हैं लेकिन आप जो रोल्स पे हैं स्कूल और कॉलेज के, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप काम पे नहीं जा रहे हैं लेकिन आपको तनख्वाह मिल रही है, तो काम रुक गया, यानी कि जीडीपी में गिरावट और ज़्यादा हो गई। तो जीडीपी की गिरावट काम रुकने से है, न कि सिर्फ बेरोजगारी से है। तो इसलिए मेरा मानना है कि 20 करोड़ लोग का काम एकदम रुक गया। अच्छा, इसमें अब जैसे सीएमआई के आंकड़े बताते हैं कि करीब 1.8 करोड़ लोग जो संगठित क्षेत्र के हैं उनका काम रुक गया, उनकी नौकरी चली गई, और उसमें 50 लाख ऐसे थे जो प्रोफेशनल्स थे जिनका काम रुक गया। तो यानी कि संगठित क्षेत्र में भी असमानता बढ़ी, असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्र के बीच में तो बढ़ी। इसमें एक जेंडर डायमेंशन भी है, क्योंकि औरतों में ज़्यादा काम कम हुआ, वहाँ पर ज़्यादा जो गिरावट आई, तो जो औरत और आदमी के बीच की जो असमानता है वो पहले से बढ़ रही थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई। तो यानी कि इसके कई पहलू हैं जो असमानता जो है इस समय हुई, और इसीलिए सरकार ने कहा कि
मतलब जो आंकड़े आ रहे हैं बाकी और जगह से, तो उसमें पता लगता है कि करीब 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे चले गए, यानी कि जो लोग पहले गरीबी की रेखा के ऊपर आ गए थे उन पे भी गिरावट हो गई। तो अब इस समय ऐसा लगता है करीब 50 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हो गए हैं, क्योंकि पहले से ही करीब 23-24 करोड़ लोग थे जो कि गरीबी की रेखा के नीचे थे। अब ये माना जाना चाहिए कि देखिए गरीबी की रेखा का मतलब होता है अति गरीब। अगर आप अति गरीब हैं, उससे आप 5 रुपए या 10 रुपए प्रतिदिन ज्यादा कमाते हैं, तो ये नहीं कि आप अमीर हो गए, आप फिर भी गरीब हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हम दिल्ली का जो एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2018 में, वो बताता है कि 90% लोग 25,000 रुपए से कम खर्च करते हैं प्रति माह एक परिवार के तौर पे। तो ये मैं मानता हूँ ये गरीब लोग हैं, जो कि मतलब अति गरीब, तो उसमें भी मतलब अगर देखें तो 43% हैं जो कि 10,000 रुपए प्रति माह से कम परिवार के तौर पे खर्च कर रहे थे। तो गरीब मतलब करीब 90% हो गए। तो इस तरह से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ गई, और इतनी परेशानी और किसी देश में नहीं आई, क्योंकि वहाँ पे इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र नहीं था। दूसरा, सरकार की नीतियों ने वहाँ पे सपोर्ट किया गरीबों को, जैसे कि अमेरिका में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का स्टिमुलस पैकेज दिया, तो उनका जो फिस्कल डेफिसिट जो था वो 20% से भी ज़्यादा हो गया, जबकि हमारा जो फिस्कल डेफिसिट था वो उतना नहीं बढ़ा, क्योंकि जो हमारे बजट से सपोर्ट गया गरीब आदमी के लिए वो महज 1.5% था GDP का। तो इसलिए यहाँ पे जो गरीबों पे ज़्यादा असर पड़ा बनिस्पत और देशों में। इसीलिए आपने देखा कि जिस तरह से पलायन हुआ, असंगठित क्षेत्र के जो काम करने वाले थे वो लाखों करोड़ों की संख्या में शहर से गांव में गए, क्योंकि उनको काम नहीं था, और गांव में भी गए तो वहाँ पर भी काम ठीक से नहीं मिला, क्योंकि RBI के आंकड़े बताते हैं कि लोगों को सिर्फ 50 दिन का काम मिला रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के तहत, यानी कि पूरा 100 दिन का काम भी नहीं मिला, यानी कि जो इनकम को सपोर्ट उनको मिल सकती थी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से वो भी पूरी तरह से नहीं मिली। तो हालांकि सरकार ने अपना जो खर्चा था रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम में वो बढ़ा दिया था 60,000 करोड़ रुपए से 110,000 करोड़ रुपए कर दिया था, पर मेरा मानना है कि कम से कम उसको 4 गुना बढ़ा देना चाहिए था, तब जाके वो गरीब आदमी जो गांव पलायन करके गए उनको पूरी तरह सपोर्ट मिलती। अब दूसरा जो सवाल आपने किया कि 1991 के बाद से क्या हुआ, तो 1991 के बाद आप अगर देखें तो हमारा जो एक गरीबी और अमीरी के बीच का जो पैमाना होता है वो लेबर और कैपिटल, कि लेबर क्या कर रहा है और कैपिटल क्या कर रहा है। तो हमारा जो पॉलिसीज है वो कैपिटल की तरफ शिफ्ट हुई और लेबर के खिलाफ गई हैं नीतियाँ, क्योंकि जो नई आर्थिक नीतियाँ हैं उसमें प्रो बिजनेस पॉलिसीज फॉलो करनी पड़ती हैं। तो प्रो बिजनेस पॉलिसीज फॉलो करने के तहत आप देखें तो लेबर और कैपिटल के बीच की जो खाई है वो बहुत बढ़ गई, औरतों का काम कम हो गया, उनका लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन कम हो गया, और इस सब के पीछे अगर आप देखें तो ये जो सारा हमारा जो पब्लिक फाइनेंस है, जो टेक्नोलॉजी है, उसका असर है। क्योंकि टेक्नोलॉजी का क्या असर होता है कि जैसे हमारा संगठित क्षेत्र है वहाँ पे तो हाई टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, और जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पे लो टेक्नोलॉजी होती है। तो जो हाई टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी आज उपलब्ध है उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता, तो 80% हमारा इन्वेस्टमेंट तो जाता है संगठित क्षेत्र के लिए, लेकिन वहाँ पे महज 6% लोग काम करते हैं, और जो बाकी जो 94% है उनके लिए 20% जाता है इन्वेस्टमेंट। उसमें भी कृषि जहाँ पे 42% लोग काम करते हैं उसके लिए महज 5% इन्वेस्टमेंट जाता है। तो 42% के लिए 5% इन्वेस्टमेंट जा रहा है, 6% के लिए 80% इन्वेस्टमेंट जा रहा है। तो इससे जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ पे आमदनी बढ़ी, लेकिन जो कृषि है जो अपना हमारा असंगठित क्षेत्र है वहाँ पे आमदनी नहीं बढ़ी। तो ये खाई तरह तरह की जो मैंने बताया कि एक असंगठित और संगठित क्षेत्र की है, एक रीजनल डायमेंशन है इसका, एक जो है लेबर और कैपिटल के बीच में, इस सब तरह की खाई 1991 के बाद बढ़ी, क्योंकि ये पता है कि जो प्रो बिजनेस पॉलिसीज होती हैं उसमें फिर जो खाई बढ़ती चली जाती है। जी, थैंक यू अरुण कुमार। मैं आपसे एक चीज, क्योंकि बेसिक क्या हो रहा है, जो मेरी समझ है, ये CMI का डेटा है जिसमें कहा गया है कि 97% लोग पुअर हुए हैं, वो उनका कारोबार या उनकी आमदनी कम हुई। अभी जैसा जयंत जी कह रहे हैं कि अपने को एक चीज ये डिसाइड करनी है कि ये हम उस अंत्योदय की बात कर रहे हैं कि उस गरीब आदमी को लेके हम पॉलिसी बनाएंगे, कि हम उस अमीर आदमी को लेके बनाएंगे कि उसको यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाएगा। ये बहुत क्लियर है, देश को आज जिस चौराहे पे देश खड़ा है उसको ये बहुत क्लैरिटी के साथ देखना होगा कि हम अंबानी और अडानी के हिसाब से बनाएंगे, कि जहां पे आप थ्रेशोल्ड इतना ऊपर कर दे रहे हैं कि अगर आपका 4-10 हजार करोड़ का टर्नओवर है तब यू कैन पार्टिसिपेट इन अ टेंडर, या हम उस सबसे गरीब आदमी के लिए जो अपनी बात सिर्फ वोट देता है, बात नहीं कह पाता है,
उसकी पॉलिसी बनाएंगे, क्योंकि आज सब मेरे जो मैं जिस इकोसिस्टम में रहता हूँ लोग कह रहे हैं उसमें जमा, अरे शेयर में करो, शेयर मार्केट इज बूमिंग, वेरी गुड, इंडिया इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल, वी ऑल नो, ये हम कौन हमारा जो मेड आती है वो शेयर मार्केट में करेगी। तो आपसे अरुण कुमार सर ये मैं समझना चाहूंगा कि ये जैसे चल रहा है ये उन बड़े आदमियों के लिए भी ठीक नहीं है, ये खतरे की घंटी मुझे लग रही है। आपने सही कहा कि इस समय बहुत ही स्थिति बेढब है, और जैसे आपने कहा कि जिस तरह से इनइक्वालिटी बढ़ रही है देश में उससे तो आगे डिमांड बढ़ नहीं सकती, और डिमांड जब कम होगी, जैसे कि पैंडमिक के पहले जो 8 क्वार्टर में जो रेट ऑफ ग्रोथ था, क्वार्टरली रेट ऑफ ग्रोथ था, वो 8% से गिर के 3.1% हो गया, तो डिमांड की शॉर्टेज तो ऑलरेडी आ गई थी, क्योंकि पहले नोटबंदी ने असंगठित क्षेत्र को हिट किया, फिर GST ने हिट किया, फिर NBFC क्राइसिस से हिट हो गया, फिर उसके बाद आपने देखा कि जो पैंडेमिक आया तो 4 हिट हुए पिछले 5 साल में, तो ये असंगठित क्षेत्र पिटता चला जा रहा है, और इसलिए हमें एक होलिस्टिक थिंकिंग की जरूरत है। आजकल की जो नीतियाँ हैं वो सप्लाई साइड नीतियाँ हैं, इसमें प्रो बिजनेस पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि लेबर कोड को चेंज कर दिया तो वो प्रो बिजनेस है, अगर आपने जो कृषि में बदलाव ले आए तो वो भी एक आपने कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ मूव किया है, वो जो किसानों के लिए हित में नहीं है, क्योंकि 86% जो किसान है वो छोटे और मझौले किसान है। तो आजकल की जो नीतियां हैं वो इस प्रकार की हैं कि आपका घर आज जल रहा है तो आप ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है हम जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो और जो दमकल खरीद लेंगे और दमकल घर बना लेंगे, तब तक तो आपका घर जल जाएगा। तो ये जो नीतियां हैं बिल्कुल ही उल्टी दिशा में हैं, ये नीतियां, इससे हमारा समाधान नहीं होने वाला, क्योंकि जो आपने देखा RBI के आंकड़े आए कि हमारा कंज्यूमर सेंटिमेंट जनवरी में ऑलरेडी गिर के 53% पे आ गया था, जबकि एक साल पहले जनवरी में वो था करीब 105 पे, तो 105 से 53 पे आ गया था, और अब वो गिर के और गिर गया है सेकेंड वेव में। उसी तरह हमारा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो गिर के 63 पे आ गया था जनवरी 21 में, वो और ज्यादा गिर के अब 50 पे आ गया है, जबकि वो पहले 70 पे होता था, तो इस स्थिति में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो जैसे कि कृष्णा जी ने कहा कि जब तक डिमांड नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका जो बिजनेस जब काम नहीं कर पाएगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। तो डिमांड बढ़ाने के लिए आपको गरीब आदमी के हाथ में पैसा देना पड़ेगा, और ये जो आज की नीतियां हैं जिससे स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है जबकि अर्थव्यवस्था डाउन है, तो RBI के गवर्नर ने पिछले 6 महीने में 4 बार कॉशन किया है कि जो स्टॉक मार्केट है और जो रियल इकोनॉमी है इसके बीच में कोई तालमेल नहीं बचा है, और ये बहुत ही एक अनस्टेबल सिचुएशन में पहुंच गया है। तो ये जो अनस्टेबल सिचुएशन है वो इसलिए हुआ है कि हमने हर तरह से टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया है, और टेक्नोलॉजी के प्रमोट करने से हमारे जो असंगठित क्षेत्र है वही बढ़ा है, और संगठित क्षेत्र बढ़ नहीं रहा है। संगठित क्षेत्र में प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है, जिसको हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। तो हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र इतना ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी गलत एम्प्लॉय की है, हमारी पब्लिक फाइनेंस की नीतियां गलत हैं। वो इसलिए नहीं है कि हमारा लेबर लॉज खराब है, लेबर लॉज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र जो है वहां पे कोई लेबर लॉज तो अप्लाई नहीं होते हैं। आप कृषि में किसी भी दिन उसको रखें, किसी भी दिन निकाल दें, तो 93% जो लेबर हमारे यहाँ काम करता है उसको किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जब मर्जी निकाल दीजिए, जब मर्जी रख लीजिए। तो इसलिए लेबर लॉज की वजह से हमारा बड़ा असंगठित क्षेत्र ये बात नहीं है। हमारा असंगठित क्षेत्र इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी पॉलिसीज गलत इख्तियार की है, हमने जो अपना जो पब्लिक फाइनेंस है वो गलत किया है, हमारा जैसे अब आप GST देखिए, GST ने असंगठित क्षेत्र को बड़ी बुरी तरह से पीटा है, क्योंकि हालांकि असंगठित क्षेत्र को बाहर रखा है GST से, लेकिन उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता, वो इनपुट क्रेडिट दे नहीं सकता, और रिवर्स चार्ज लग जाता है अगर वो 1-1.5 करोड़ तक हो, तो ये सब के चलते हुए वो उससे डील नहीं कर पाता। तो मैंने जैसे बार बार कोट किया है प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन मिस्टर जगन्नाथन को, उन्होंने कहा कि हम 30 यूनिट है, 5 बड़े यूनिट है, 25 छोटे यूनिट है, और डिमांड 25 यूनिट से हमारी तरफ शिफ्ट हो गई क्योंकि वो GST से डील नहीं कर पाते, तो हमारी ग्रोथ 24% हो रही है, वो गिर रहे हैं। तो इसमें हमारा GDP का डेटा गलत है, GDP के डेटा में हम सिर्फ संगठित क्षेत्र के आधार पर डेटा दे देते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र गिर रहा है पिछले 5 साल से। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी रेट ऑफ ग्रोथ तो नेगेटिव पहले ही हो गई थी, और इस समय भी जो सरकार कह रही है कि 7% की गिरावट पिछले साल रही, मेरे अनुसार अगर असंगठित क्षेत्र को जोड़ ले तो 29% की गिरावट रही, और यहां तक कि कृषि में जहां पर सरकार कहती है कि 3% की बढ़त रही वहां पर भी गिरावट हुई, क्योंकि अगर आप Q1 में देखें पिछले साल तो आजादपुर मंडी में आधे से कम फल और सब्जी आया, चिकन को हमने कल किया, अंडों की बिक्री कम हो गई क्योंकि 1 करोड़ अंडे हमारे मिड डे मील स्कीम में इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल होना बंद हो गए,
और फिर आपका जब फूल जब मार्केट में नहीं आ पाया अर्बन एरियाज में, आपके दूध की खपत कम हो गई क्योंकि मिठाई की दुकान बंद हो गई, आपके जो वेडिंग वगैरह के सारे फंक्शन बंद हो गए, तो मेरा मानना है कि एग्रीकल्चर में भी गिरावट थी क्योंकि हमने ये सारा इंक्लूड नहीं किया। हमारे क्वार्टरली डेटा में हम ये मान लेते हैं कि जो प्रोडक्शन का टारगेट वो फुलफिल हो गया, जबकि टारगेट फुलफिल नहीं हुआ, वहां पे गिरावट आ गई। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि हमारा डेटा भी गलत है और ये जो सप्लाई साइड जो रिस्पॉन्सेज की हम बात करते हैं वो तो आएंगे 3-5 साल बाद, लेकिन जरूरत तो आज है हमें डिमांड क्रिएट करने की। अगर आज हम डिमांड नहीं क्रिएट करेंगे तो आज हमारा वो बढ़त नहीं होगी, और बढ़त नहीं होगी तो फिर जब इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा तो इस समय कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों गिर गए हैं। तो हमको एक होलिस्टिक थिंकिंग चाहिए। इस होलिस्टिक थिंकिंग में हम सप्लाई साइड से जाएंगे तो उससे कोई सुधार नहीं होने वाला, बट ये हालात और बिगड़ जाएंगे। और ये मतलब पैंडमिक के पहले भी, क्योंकि हमारे जो पॉलिसीज हैं वो सप्लाई साइड पॉलिसीज हैं, सप्लाई साइड पॉलिसीज की वजह से जीडीपी का रेट ऑफ ग्रोथ ऑलरेडी कम होता चला जा रहा था और अब भी होगा। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि अब हम न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं। ये न्यू नॉर्मल क्या है? इसमें और ज्यादा ऑटोमेशन होगा, जितना ऑटोमेशन पहले हो रहा था उससे ज्यादा होगा, और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और कम हो जाएगा। अब जैसे कि आपने देखा कि इस दौरान जिसके पास परचेजिंग पावर थी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो सारा ई कॉमर्स की तरफ झुक गया है। वो ई कॉमर्स से चीजें ऑर्डर कर रहा है, वो बगल के स्टोर पे नहीं जाता, वहां पे उनकी जो ग्रोथ कम हो गई है। तो जो ये सारा जो हो रहा है ये टेक्नोलॉजी से डिस्प्लेसमेंट होगा, जिससे कि जो हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसमें कि माइक्रो सेक्टर में 99% यूनिट्स हैं और उसमें 97.5% एम्प्लॉयमेंट है। जब माइक्रो यूनिट्स ये डिक्लाइन होगा क्योंकि आप टेक्नोलॉजी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे लार्ज स्केल मीडियम स्केल सेक्टर में, तो फिर वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ेगा तो उससे डिमांड में और कमी आ जाएगी। तो इसलिए सारी की सारी नीतियां इस समय गलत है। ये टॉप डाउन नीतियां जो है, जो 1991 से हमने और ज्यादा कर दी थी, जो हमने 1947 से टॉप डाउन नीतियां अपनाई, इसी के चलते सारी परेशानी है। तो जब तक हम डेवलपमेंट पैराडाइम को दोबारा नहीं सोचेंगे, और खासकर जो आने वाले समय में जो न्यू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं उसमें हम अगर जो नए अपने डेवलपमेंट पैराडाइम को नहीं लाएंगे तो कोई सुधार नहीं होने वाला है। तो इसीलिए अभी सेकेंड वेव की बात ही नहीं है, अभी तो बात थर्ड वेव की भी चल रही है कि शायद थर्ड वेव आ जाए, और भी अनिश्चितता बढ़ जाएगी। अगर जो जीडीपी और गिर गया उसकी वजह से तो इससे और भी समस्या बढ़ जाएगी। तो मेरा मानना है कि कुल मिला के ये जो एक होलिस्टिक थिंकिंग की जरूरत है, जिसमें कि जैसे कि कृष्णा जी ने सही कहा, एजुकेशन के बारे में भी सोचना पड़ेगा, जिसमें टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना पड़ेगा, जिसमें टैक्सेशन, जो हमारा टैक्सेशन जो इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ झुका हुआ है, जीएसटी से हम कलेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स के जो कलेक्शन उतना हो नहीं रहा है जितना, जबकि हमें डायरेक्ट टैक्स से ज्यादा कलेक्ट करना चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स से कम करना चाहिए। अब हमने जब पेट्रोलियम गुड्स के दाम बढ़ा दिए, या पेट्रोलियम गुड्स के दाम बढ़ाने सारा इन्फ्लेशन तेज हो गया है, और इन्फ्लेशन की मार किस पे पड़ती है ज्यादा? वो असंगठित क्षेत्र पे पड़ती है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र का जो कोई डीए इंडेक्सेशन नहीं होता, कम से कम जो ऑर्गेनाइज सेक्टर उसमें कुछ इंडेक्सेशन होता है, तो वहां पे इनकम इतनी कम नहीं होगी, तो फिर एक और तरह की डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी, फिर रूरल अर्बन डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी, हमारी रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के डेवलपमेंट पैराडाइम के बारे में सोचना पड़ेगा, और नहीं तो जैसे आप सही कह रहे थे कि जो अभी खाई है वो इतनी तेजी से बढ़ेगी आने वाले समय में कि देश में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल अपहीवल होने का चांस है। कि अगर दिल्ली का जो सोशल इकोनॉमिक सर्वे का डेटा देखें तो 90% की जो एक्सपेंडिचर है परिवारों का वो 25,000 रुपए से कम है तो प्रति माह, उनकी सेविंग नेग्लिजिबल है। जो भी हमारी सेविंग है वो ज्यादातर टॉप 3% से जिसको फायदा हो रहा है वहां से आती है, और इसीलिए बैंकिंग का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ज्यादातर उन्हीं पे जो डिपेंडेंट है उन्हीं को केटर करता है, और जो हमारा गरीब तबका है उसके लिए केटरिंग बहुत कम है जो बैंकों की। और अगर आप देखें तो रूरल बैंकिंग भी बहुत कम है, और बल्कि 1991 के बाद घट ही गया है रूरल बैंक ब्रांचेस का। तो हमारा जो मॉडल है वो बहुत ही ज्यादा स्क्यूड है, क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। कह दो देखिए, गोल्ड तो जैसे आप कह रहे हो वो इम्पोर्टेड गोल्ड होता है, इसका मतलब कि आपकी सेविंग्स बाहर चली जा रही है, तो फॉरेन एक्सचेंज में आप खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो आधा टन भी गोल्ड का प्रोडक्शन नहीं है। तो 900 टन है उसमें करीब 60 टन तो रिसाइकल गोल्ड होता है जो ज्वेलर्स के पास होता है, बाकी तो सारा इम्पोर्टेड गोल्ड है। इम्पोर्ट करने का मतलब है कि आपकी जो सेविंग्स लीक आउट कर रही है, आपकी सेविंग बल्कि देश में कम हो जा रही है। और जैसे मैंने कहा कि दिल्ली जैसे शहर में 90% लोग हैं वो 50,000 रुपए से कम खर्च करते हैं, उनके पास सेविंग इतनी नहीं है कि वो कुछ गोल्ड ज्यादा रख सकते हैं। तो इसलिए गोल्ड बैंक का आइडिया तो अगेन 3% लोगों के जो हक में है, उन्हीं के पास। देखिए गोल्ड जो होता है, जो ज्वेलरी जो बनती है 200-250 टन की होती है, बाकी तो गोल्ड सेविंग के फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं होर्डिंग के लिए। तो वो जो 3% के पास है, वो 3% को उससे फायदा होगा, वो जो 97% है वो उसके पास नहीं जाएगा। सॉरी, अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें।
अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।